एडुकेशनल कार्टून वीडियोस फॉर चिल्ड्रेन आप सभी देख सकते हो, अच्छे खासे व्यूज आप सभी को दिख रहे होंगे, 9.6 मिलियन व्यूज, 6.4 मिलियन व्यूज, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सभी को और भी दिखेगा, 30K, 237 की व्यूज। और आप सभी अगर एक्सटेंशन से देखोगे तो यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई दिख रहा है, और आपको पता है कि ऐसी वीडियोज एवर ग्रीन होती है क्योंकि बच्चे ऐसी वीडियोज को देखना बहुत प्रेफर करते हैं जहाँ उन्हें इंटरटेनमेंट मोड में एडुकेशन मिले। तो आप सभी भी ऐसी वीडियो आसानी से बना सकते हो, वो भी अपने फोन से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मात्रा। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि कैसे आप सभी किड्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस जो है आसानी से अपने फोन से बना सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेंगे वैसे लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, आप सभी जरूर चेक करना। जैसे ही चेक करोगे देखोगे कि आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये सिर्फ फ्री डेमो क्लास है, इसके थ्रू आप सभी जान पाओगे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और ऐसी कई सारी चीजें आप सभी सीख सकते हो। तो चलो देर किस बात की, फटाफट अभी की अभी अपने आप को रजिस्टर करो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के लिए। सो एवरीवन, आप सभी को ऐसी एजुकेशनल कार्टून वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ चाहिए एक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के अंदर एक चाहिए आप सभी को एडिटिंग टूल यानी कि ऐप, उसके बाद आप सभी आसानी से ऐसी वीडियो बना सकते हो। अब आप सभी सोच रहे होगे किसके लिए, कैसे ऐसी वीडियोस कहां से आएगी, कैसे क्या करना है, तो आप सभी को सिंपली अपना वॉइस ओवर करना है और एक वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी कॉपी करके आप सभी आसानी से ये वीडियो बना सकते हो। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सभी कोई भी स्टेप मिस ना करें। इफ अगर कोई भी स्टेप मिस करते हो तो डेफिनेटली आप सभी के चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, फिर बाद में आप सभी मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो इसके लिए आप सभी एंड तक इस वीडियो को देखो। चलिए आप सभी को लेकर चलती हूँ सीधे अपने फोन की स्क्रीन पर। सो एवरीवन, आज का हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, आप सभी को अपने प्ले स्टोर के सर्च आइकन पर जाना है और सर्च करना है ABCD गेम। और जैसे ही आप सभी ऐसे गेम सर्च करोगे बहुत सारे ऑप्शन आप सभी के पास आएंगे, तो यहाँ पर आप सभी को कुछ मिनट का मेहनत करना होगा, अपने हिसाब से एक गेम जो है चूज करनी होगी, क्योंकि बेशक अगर आप सभी ये वीडियो बना रहे हो तो आपने ये गेम नहीं ही खेली होगी, और हो सके अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उससे आप सभी ऐसे किसी गेम के बारे में सजेशन ले सकते हो, एल्स आप सभी थोड़ा बहुत यहाँ से रिसर्च कर लेना, एक दो गेम डाउनलोड करके आप सभी देख लेना। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है ABC किड्स, तो मैं इसे एक बार इंस्टॉल पर डाल के देख लेती हूँ, इसे भी करके चेक कर लेती हूँ, और जो भी मुझे सुटेबल लगेगा आप सभी को एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी को दिखाऊंगी कैसे आप सभी ऐसी वीडियोज जो है बना सकते हो और अपने चैनल पर अपलोड यानी कि पब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार इसे हम लोग प्ले करके देखेंगे, मैंने ये गेम पहले कभी खेला नहीं है तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप सभी को एडुकेशनल जैसे किड्स के लिए वीडियोस बनानी है, तो A to Z, ABC, A to Z, AAA, BBB, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग कुछ टर्म्स पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरो है, एप्पल है, और ये गेम मैंने पहले कभी खेली नहीं है तो एक बार क्लिक करके देखते हैं। ओके, यहाँ से ये मेरे काम की नहीं है तो इसे मैं बैक कर रही हूँ, इसे एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर एप्पल पे आई थिंक कलरफुल करना है, यस। ये भी इस पर भी आप सभी चाहो तो ऐसे गेम, मतलब ऐसे गेम को भी आप सभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकते हो। और एक बार हमने जो दूसरा ऐप डाउनलोड किया था ना उसे भी देख। तो इसी तरीके से आप सभी को ना एक दो ऐप जो है अपने हिसाब से चेक करने होंगे, उसके बाद ही आप सभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। पर ये वाला सेक्शन मुझे कुछ ठीक सा लग रहा है। ओके फाइन, इसे ऐसे क्रिएट करते हैं और यहाँ से आप सभी को A4, B4 ये सारे चीज़ें भी दिखेंगी। ओके फाइन, तो इसका क्या करना है कि अगर आप सभी को भी इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई गेम लगी जो आपके अकॉर्डिंग आप अपने चैनल पर पब्लिश करना चाहते हो तो उसे बस सिंपली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि गेम कई सारे यूट्यूब भी अलाउ करता है कि आप सभी यूट्यूब पर गेम जो है दिखा सकते हो, वीडियो बनाकर डाल सकते हो, और गेम के साइड से भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो कॉपीराइट क्लेम की टेंशन यहाँ पर नहीं है। तो आप सभी को अपने फ़ोन पर बस इसे सिंपली सारे गेम को ऐसे ही इन करते हुए, इसे मैं ऐसे इन करते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगी। तो आप सभी जैसे B4B यहाँ पर, और ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ से C4 Cat, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद इसे एडिट करना है। और आप सभी को क्या करना है कि एडिटिंग करने के लिए आप सभी को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करना है KineMaster। KineMaster इंस्टॉल करने के बाद आप सभी को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर 16:9 का रेशियो जो है सबसे परफेक्ट रेशियो होता है, मैंने पहले भी बताया यूट्यूब के लिए, तो इसे चूज करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप सभी ने जो अपनी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड की है उसे यहाँ से आप सभी सिंपली चूज कर लेना। तो मेरी वीडियो यहाँ से, इसे मैं ट्रांसपोर्ट कर लूँगी KineMaster पर। तो यहाँ से मेरी वीडियो जो है KineMaster पर आ चुकी है और इस वीडियो को हम लोग थोड़ा क्रॉप कर लेंगे या फिर पैन जूम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपनी वीडियो को जूम कर लिया है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो
तो फाइनली आप सभी ने जो भी हमारे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर कर लिया है, वैसे थोड़ा बहुत हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिल्टर है क्योंकि ओरिजिनल वीडियो से थोड़ा हमने जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया तो थोड़ा डिफरेंट दिखाना होगा, तो यहाँ से इस पर थोड़े फिल्टर हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरा चेंज हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसके लिए करना है हमें वॉइस ओवर। तो यहाँ पर वॉइस ओवर के लिए आप सभी को रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन जो दिख रहा है इस पर आप सभी को क्लिक करना है। पहले एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो वॉइस ओवर करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ से जैसे मैंने बताया रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ये मैंने एक सैम्पल आप सभी को बताया, ऐसे ही आप सभी चाहो तो वॉइस ओवर कर सकते हो या फिर इससे इंटरेस्टिंग और अपनी वीडियो बना सकते हो, अच्छे से वॉइस ओवर कर सकते हो। मैंने बस एग्जाम्पल के लिए बताया, तो आप सभी अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आप सभी अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का वॉटरमार्क या फिर लोगो दे सकते हो ताकि ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक वीडियो बन जाए। और एडिशनल अगर आप सभी चाहो तो जो भी क्रिएटिविटी इसमें है ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इफेक्ट है, स्टिकर है, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है, तो हैंड राइटिंग और टेक्स्ट की यहाँ पर नीड नहीं होगी। आप सभी चाहो तो कोई इफेक्ट यहाँ से ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, या फिर ऑडियो में आप सभी जाकर म्यूजिक, गेट म्यूजिक से क्लिक करके बहुत सारे म्यूजिक आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगे तो म्यूजिक ऐड कर सकते हो, या फिर आपके फ़ोन पर पहले से ही है कोई सॉन्ग या म्यूजिक है तो आप सभी उसे भी यहाँ पर ऐड करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आप सभी अपने फ़ोन से कोई म्यूजिक यूज़ कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द क्रेडिट, मतलब आप सभी को डोंट फॉरगेट टू गिव द क्रेडिट, आप सभी को क्रेडिट देना ही देना है अपने यूट्यूब चैनल पर अगर कोई भी म्यूजिक यूज़ कर रहे हो तो। और जैसे ही आप सभी की ये वीडियो रेडी हो जाए, आप सभी अपने हिसाब से एक अच्छी वाली वॉइस ओवर यहाँ पर करके उसे, अगर आप सभी अपने वॉइस ओवर को चाहते हो किड वाली वॉइस में चेंज करना, तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि वॉइस चेंजर है यहाँ पर, इसे थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप सभी चाहो तो वॉइस चेंज करके भी इसे यूज कर सकते हो। जैसे ही आप सभी की वीडियो जो है फाइनली रेडी हो जाए तो यहाँ से आप सभी को आइकन पर क्लिक करना है सेव एज वीडियो। यहाँ से आप सभी अपने जिस भी क्वालिटी में चाहो वीडियो जो है सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप सभी को YouTube पर जाकर इस वीडियो को बस सिंपली पब्लिश करना है। तो यहाँ से भी वीडियो ये हमारी सेव हो रही है। अब वीडियो जैसे ही सेव हो जाए तो आप सभी को अपने YouTube चैनल पर जाना है। और प्लस आइकन पर जाना है, अपलोड अ वीडियो, और यहाँ से आप सभी की जो वीडियो सेव हो गई है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर जाना है, और नेक्स्ट पर जाने के बाद आप सभी आपने जितने भी एडुकेशनल वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर देखे हैं उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत टाइटल जो है आप सभी चाहो तो वैसा ही कुछ टाइटल ऐड कर सकते हो। थंबनेल अपने हिसाब से, बहुत सारे एग्जांपल आप सभी को यूट्यूब पर मैंने शुरू में ही दिखाया कि बहुत सारे चैनल हैं तो वैसे थंबनेल जो है आप सभी चाहो तो थंबनेल जो है अपने चैनल के लिए, अपने इस वीडियो के लिए आप सभी यूट्यूब से आइडिया ले सकते हो, देख सकते हो कि ऐसे और भी जितने चैनल हैं उन लोगों ने कैसा बना रखा है तो उसी से रिलेटेड बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन टैग ऐड ऑन करके पब्लिश कर सकते हो। सो आई होप एवरीवन कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप सभी डेफिनेटली इस मेथड को ट्राई करो और अपने चैनल को मोनेटाइज करो। अगर आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज है तो अच्छी खासी मनी अर्न कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसी वीडियोज जो है एवरग्रीन होती है। अगर आप सभी को ये मेथड पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, लाइक करना, साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आप सभी को YouTube मंत्रा से रिलेटेड सारे टिप्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो गाइज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंसर्न है तो आप सभी मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, साथ ही ऐसे लोगों के बारे में भी जो लोग अपने ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, आप सभी जरूर चेक करना।
जैसे ही चेक करोगे देखो कि आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये सिर्फ फ्री डेमो क्लास नहीं, इसके थ्रू आप सभी जान पाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपने सिर्फ सुनी होगी वो सब सीख सकते हो। तो चलो देर के इस बात की, फटाफट अभी के भी अपने आपको रजिस्टर करो 5 दिनों की फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के लिए। सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए मेथड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।